जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का। फाइनली हम इस वीडियो में भी आ चुके हैं जो हमारे नए साथी हैं और वे इंडियन आर्मी में क्लर्क बनना चाहते हैं। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसे जरूर देख ले। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के फर्स्ट में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आइए इस वीडियो में जानेंगे इंडियन आर्मी क्लर्क फिजिकल मेडिकल रिटेन, नेगेटिव मार्किंग, मेरिट लिस्ट और बोनस मार्क के बारे में। तो प्लीज इस वीडियो में भी लास्ट तक जरूर बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी क्लर्क फिजिकल की। तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग हो रही है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी निर्धारित है। ग्रुप ए के लिए 5 मिनट 30 सेकेंड, जिसके लिए 60 मार्क्स। ग्रुप बी के लिए 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड तक टाइमिंग, जिसके लिए 48 मार्क्स निर्धारित है। अब आइए बात कर लेते हैं बीम की। तो 10 बीम पे 40 मार्क्स, 9 पे 33, 8 पे 27, 7 पे 21 और 6 पे 16 मार्क्स निर्धारित है। 6 से कम लगाने वाले कैंडिडेट को सीधे तौर पे फेल कर दिया जाता है। बीम लगाते समय आपकी बाजू, लेग, पैर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होनी चाहिए। यानी कि सॉलिड बीम नहीं निकलेगा तो आपका ऐसे बीम काउंट नहीं किया जाएगा। कम से कम 6 बीम सॉलिड लगाना अनिवार्य है, नहीं तो ये काउंट नहीं होगा। फिर 9 फीट डिच और जिग जाग, इसे क्वालिफाई करना आवश्यक है। अब सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं, जो इंडियन आर्मी क्लर्क या फिर टेक्निकल या फिर नर्सिंग या फिर अलग जो एजुकेशन हवलदार वगैरह होते हैं, इन सब में किसी भी प्रकार का जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है इसमें नंबर ऐड नहीं होता है। ओनली फॉर GD और ट्रेडमैन की जो रनिंग होती है फिजिकल, उसमें ही सिर्फ इसमें नंबर ऐड होता है, उनके सिलेक्शन प्रोसीजर में काम आता है, उनको सिलेक्शन होने के लिए यह नंबर काम आता है फिजिकल के लिए। अदरवाइज किसी ट्रेड में यह काम नहीं आता है, सिर्फ क्वालिफाई करने की आवश्यकता होती है। अब आइए बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में साथियों कैंडिडेट की फ्लैट फुट की समस्या नहीं होनी चाहिए, नोकनी सामान्य होनी चाहिए, जो एल्बो होता है ये टूटी या फिर कभी भी किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या नहीं पाया जाना होना चाहिए। हाइड्रोसिल नॉर्मल होना चाहिए कैंडिडेट का। जो दांतों का 14 डेंटल पॉइंट होता है वह बिल्कुल सटीक और सामान्य होनी चाहिए। आई साइट 6x6 होना चाहिए। कलर विजन यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं होनी चाहिए। कानों में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। साथियों इंडियन आर्मी बॉयज मेडिकल की स्पेशल वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप जरूर देख ले, सारी डाउट क्लियर हो जाएगा। उसमें कलर ब्लाइंडनेस और आई साइट का भी लिंक दिया हुआ है, उसे भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आइए अब बात कर लेते हैं रिटेन की। रिटेन की बात करें तो यहाँ पे पार्ट वन और पार्ट टू दोनों पार्ट के लिए 100-100 मार्क्स की एग्जामिनेशन होता है, यानी कि दोनों मिला के 200 मार्क्स हो गए। सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, तो GK से 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स, GS से 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ से 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस से 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये पार्ट वन का सिलेबस है। पार्ट टू का सिलेबस ओनली फॉर जनरल इंग्लिश है, जिसके लिए 25 क्वेश्चन और 100 मार्क्स यहाँ पे निर्धारित है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और मार्क्स 200, यानी कि एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स ऐड होते हैं। यहाँ बात करें पासिंग मार्क की तो हर एक पार्ट में 32 मार्क्स होने अनिवार्य है, लेकिन टोटल ऑफ पासिंग मार्क्स चाहिए तो 80 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब आइए बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग क्या होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 4/1 का है। एक क्वेश्चन अगर सही बनाते हैं तो यहाँ पे 4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो यहाँ पे 1 मार्क्स यहाँ पे माइनस होता है। तो इसका ध्यान रखें, जैसे कि 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कोई कैंडिडेट 40 क्वेश्चन सही सही बना दिया है और बचा कितना 10 क्वेश्चन में सस्पिशन है, तो 10 में कैंडिडेट ने 4 क्वेश्चन को सही सही बनाया तो यहाँ पे कैंडिडेट की 4 चौका 16 मार्क्स यहाँ पे ऐड हुए, जबकि 6 को उसने गलत बनाया तो यहाँ पे -6 माइनस हो जाएगा जो ऐड मार्क्स है उसमें से। फिर भी यहाँ पे 10 मार्क्स कैंडिडेट को बेनिफिट हो रहा है। तो कैंडिडेट को हम यही कहेंगे, जो हमारे साथी जो खासकर नए साथी, उनको हम यही कहेंगे कि जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं, रिटर्न के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना नहीं आता है, फिर भी आपको ट्राई करके ट्रिक जरूर कर देना है। हो सकता है 5 क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन भी सही हो जाए तो फिर भी आप फायदा में ही रहिएगा। आप आइए बात कर लेते हैं लगभग मेरिट कितने पे बनता है, मेरिट कितने पे बनता है। तो जैसा कि यहाँ पे पता है फिजिकल में कोई मार्क्स ऐड नहीं होता है, सभी के सभी रिटेन की होती है। तो कम से कम 160+ जिस कैंडिडेट की मार्क्स है यहाँ पे रिटेन में, तभी उसकी कुछ आशा है सिलेक्शन होने के लिए। इससे अगर कम है तो फिर मुश्किल है। आइए अब देखते हैं किस कैंडिडेट को कितना बोनस मार्क्स यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो जो कैंडिडेट को सी सर्टिफिकेट है NCC की, तो ऐसे कैंडिडेट को 15 मार्क्स ऐड किए जाते हैं, और NCC बी है, बी सर्टिफिकेट, तो 10 मार्क्स और ए सर्टिफिकेट पे 5 मार्क्स यहाँ पे निर्धारित की जाती है। रिलेशनशिप की बात करें तो जो कैंडिडेट
माता पिता या फिर भाई बहन आर्मी में जॉब कर रहे हैं या फिर कर चुके करके छोड़ दिए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे 20 मार्च इसमें ऐड होते हैं। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है और रिपब्लिक डे परेड में भी हिस्सा ले चुके हैं, तो ऐसे जो क्लर्क कैंडिडेट होते हैं उन्हें सीधे तौर पर एग्जाम यहाँ पे माफ कर दिया जाता है। साथियों मैं एक चीज़ और जानकारी दे दूँ, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको 2 ईयर की काम की सर्टिफिकेट है और वे नेशनल खेलो गेम इंडिया या फिर स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, तो ऐसे कैंडिडेट को भी बोनस मार्क की सुविधा दी गई है। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद साथियों।